की प्रॉपर्टी है बोल के वर्क बोर्ड वाले बोर्ड डाल के लेआउट ओनर के ऊपर FIR की ये सो है ऑलरेडी। ये काम बहुत गलत है इंसानियत की दृष्टि से, ये काम नहीं होना चाहिए थे। वो काम अभी क्या है, वर्क बोर्ड वाला अपना बोर्ड निकालना, FIR वापस लेना, ये तो सरकार उसके ऊपर वर्क बोर्ड का जो ऑफिसर है उसके ऊपर FIR करना और उसको सस्पेंड करना। अगर वो लोग बोर्ड नहीं निकालेंगे अगर 8-10 दिन के अंदर, तो हम लोग डीसी ऑफिस के सामने धरना रखेंगे साहब। और पंचायती लेआउट अप्रूव हुआ सो है, कम से कम वहाँ पर 50-60 मकान बने सो है, वो सभी लोगों को न्याय मिलना। इसके लिए यहाँ की जो भी आवाम है, वहाँ की जो भी आवाम है, हमारे साहब को सपोर्ट करना, हमको सपोर्ट करना। हम आगे आने वाले दिनों के अंदर डीसी ऑफिस के सामने एक बड़ा धरना रखते हैं। इसके लिए हमको आपको सभी का साथ चाहिए। सर्वे नंबर 98/3 शेख रोजा। सभी कलबुर्गी वासियों को सलाम नमस्ते। मैं कर्नाटक राष्ट्र समिति पक्ष का जिला अध्यक्ष विजय यादव, मेरे साथ में शिवपुत्र गरुर और सैयद सिराजुद्दीन साहब और विजय कुमार खानापुरे। आज कलबुर्गी जिले के अंदर एक 60-70 मकान बने सो है, उस जगह पे वक्फ बोर्ड वाले कोई तो भी सरकार का आर्डर ला के बोर्ड डाल के जगह कब्जा कर रहे हैं, कब्जा कर चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऑलरेडी बोर्ड डाले सो है। ये काम जो है ना इंसानियत के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। एक सरकार का काम रहता है लोगों को बचाना और लोगों का संरक्षण करना, मतलब उनका जो भी नीड्स है उसे फुलफिल करना रहता है। लेकिन आज ये काम जो वक्फ बोर्ड वाले किए हैं बहुत पूरी तरीके से गलत है। हालांकि वो जगह 1971-72 के अंदर इनामी जगह बोल के उनको अलाटमेंट हुआ सो था, EC ने आर्डर दिया था उस दौर में। और 1980 और 81 के अंदर लैंड ट्रिब्यूनल ऑक्यूपेंसी राइट दिए सो है। और 1995 के अंदर कलबुर्गी जिला अधिकारी उन NA आर्डर दिया सो है।